हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी द टॉपिक फोर्स एंड प्रेशर। तो क्या होता है फोर्स? आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं फोर्स के बारे में। सो फोर्स इज नथिंग बट व्हेन वी आर पुशिंग एनी ऑब्जेक्ट और पुलिंग एनीथिंग, तो हम कहते हैं कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इन जनरल हमें पता है न्यूटन का पहला लॉ कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है वो स्टेशनरी स्टेट में रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो कंटिन्यू मोशन में उसी सी स्पीड के साथ और सेम डायरेक्शन के साथ मूव करते रहेगा अगर उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर अपने टेबल के ऊपर या फिर टेबल अगर वैसे ही स्टेशनरी रखा है और उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं होता सालों साल, तो वैसे ही उसी जगह पे वैसे ही स्टेशनरी पोजिशन में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मोशन में है, एक स्पीड के डायरेक्शन के साथ वो मूव कर रहा है, और अगर उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं होता तो वो उसी मोशन में उसी डायरेक्शन में मूव होते रहेगा कंटिन्यूअसली। ये हो गया हमारा न्यूटन का पहला लॉ, राइट? तो बेसिकली जो फोर्स है उसको हम डिफाइन करते हैं पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं, जैसे आप पहले फिगर में देख रहे हो कि एक मैन है जो इस कार को पुश कर रहा है, तो ही इज अप्लाइंग द फोर्स, और वो कौन से टाइप का फोर्स है? मस्क्यूलर फोर्स। सेकंड केस में भी आप देख सकते हो कि एक बॉय है जो डॉग को अपनी तरफ पुल कर रहा है, अगेन ही इज अप्लाइंग द फोर्स। सो हियर द मैन इज पुशिंग द ऑब्जेक्ट बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड हियर इट इज पुलिंग इट। अगेन हियर द बॉय इज अप्लाइंग द मस्क्यूलर फोर्स एंड किकिंग द बॉल इन अनदर डायरेक्शन। दिस थ्री आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मस्क्यूलर फोर्स, जो कि एक टाइप ऑफ फोर्स है, और इन तीनों केसेस में फोर्स लगाया जा रहा है बाय पुशिंग और पुलिंग द ऑब्जेक्ट। दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसका मतलब क्या है, हम नाम से समझ सकते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब है कि दोनों ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है और जो फोर्स लगा रहा है ये एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है उन दोनों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को हम डिटेल्स में अभी समझेंगे विद सम एग्जांपल्स। सो अ फोर्स एक्ट ऑन द टू ऑब्जेक्ट्स थ्रू एन इंटरैक्शन बिटवीन देम। तो फोर्स तभी एक्ट होगा जब दो ऑब्जेक्ट्स जिनके ऊपर फोर्स लग रहा है या फोर्स लगा रहा है उन दोनों के बीच में कोई ना कोई इंटरैक्शन हो। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पे एक मैग्नेट है और कुछ आयरन नेल्स रखे हैं, तो आयरन नेल्स जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो क्या मैग्नेट जब हम इसके पास लेके गए तो क्या नेल्स और मैग्नेट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में थे? नो, दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, बट फिर भी उन दोनों के बीच में एक इमेजिनरी एक फोर्स एग्जिस्ट प्रेजेंट था जिसके वजह से जो नेल्स है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हुए। और इसी टाइप के फोर्स को हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, जो कि एक नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का फोर्स है। सिमिलरली यहाँ पे जो कोम्ब है और यहाँ पे कुछ पेपर पीसेस रखे हैं, तो जो पेपर के पीसेस है दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कोम्ब। नाउ अगेन इन दिस केस ऑल्सो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जाम्पल है जो कि एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। सिमिलरली यू कैन सी कि पेड़ के ऊपर से नारियल जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो, मतलब जो नारियल है वो नीचे गिरा है। दिस इज अगेन अ ग्रेविटेशनल फोर्स जो फिर से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। यहाँ पे अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है और जिसके वजह से नारियल जो है वो नीचे गिर रहा है। तो तीनों जो एग्जाम्पल्स है वो हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल्स हुए। सो ऑब्जेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टू द अर्थ ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कोम जो है अगर रब अगेंस्ट द हेयर देन स्मॉल पीसेस पेपर केप्ट ऑन द टेबल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द कोम। द कोम हैज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड देर इज एन इंड्यूस्ड अपोजिट चार्ज ऑन द पीसेस ऑफ पेपर एंड द पीसेस स्टिक टू द कोम। इफ द फोर्स इन द फोर्स विच इज एक्टिंग is in direct contact between the object, then that force is contact force, and if the objects are not in contact then we say it is a non-contact force. Here are the examples. Muscular force is a very good example of contact force, like lifting, pushing or pulling. And non-contact force, as we have seen, magnetic force, gravitational force and electrostatic force are few examples of non-contact force. Okay, again there are few other examples like frictional force. So, friction force is very useful in daily life
एंड फ्रिक्शन फोर्स अगेन इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द मोशन, जो भी ऑब्जेक्ट्स मोशन में हैं, इन सभी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगता है. लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा द डायरेक्शन ऑफ मोशन. सो इमेजिन इफ देयर इज वन ऑब्जेक्ट एंड वो राइट साइड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसका मोशन जो है वो राइट हैंड साइड डायरेक्शन में है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में लगेगा ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. सो इट इज ऑलवेज इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. और उसका काम क्या होता है, उसका मेन काम होता है जो कि मोशन है उसे अपोज करना, उसके मोशन को रोकना. ओके, नाउ हियर देयर इज वन एक्टिविटी गिवन इन योर बुक दैट वी हैव टेकन टू प्लास्टिक बॉटल्स और दोनों प्लास्टिक बॉटल्स को हमने पानी के ऊपर रखा है. एंड ऑन दैट वी हैव अटैच्ड विद अ सेलोटेप, वी हैव अटैच्ड टू मैग्नेट्स. नाउ वी नो दैट नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर एक दूसरे के सामने है तो दे विल रिपेल, तो ये दोनों प्लास्टिक बॉटल एक दूसरे से दूर जाएंगे. और अगर नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे के तरफ है तो वो एक दूसरे के पास आएंगे, मतलब वो अट्रैक्ट करेंगे. नाउ ये जो दो मैग्नेट है दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं है. लेकिन जब हमने उसको इस तरह से सस्पेंड किया कि नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे की तरफ है, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये दोनों बॉटल्स जो है वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं. सो देयर इज अ फोर्स बिटवीन दिस टू, दो दो बोथ द मैग्नेट्स आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, पर उन दोनों के बीच में फोर्स हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए हम उसको कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. एंड इट इज अगेन वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. सो हियर आई होप यू अंडरस्टूड वॉट इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड वॉट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. सो नाउ लेट्स अंडरस्टूड अबाउट द बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स. तो यहाँ पे हमने इस एक्टिविटी में एक वुडन ब्लॉक रखा है और वी हैव टू पैंस जो कि हमने इस तरह से सेटअप किए हैं. अगर हमने दोनों पैंस में इक्वल फोर्स इक्वल मास कैप किया, इफ़ वी कीप द इक्वल मासेस इन बोथ द पैंस, तो जो बॉक्स है वो बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, डू नॉट मूव ऑन द टेबल. वॉट डज दिस मीन, दिस मीन्स दैट कि दोनों जो पैंस है उनके ऊपर इक्वल ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट हो रहा है एंड दोनों का मास सेम होने के वजह से जो बॉक्स है इट इज़ नॉट मूविंग. दिस मीन्स क्या, जो बैलेंस फोर्स है वो एक्ट हो रहा है ऑन द बॉक्सेस, जिसके वजह से जो इफेक्टिव फोर्स है इस बॉक्स के ऊपर दैट इज इक्वल टू जीरो, एज दिस आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. अपोजिट डायरेक्शन में लगने की वजह से जो नेट इफेक्टिव फोर्स है वो जीरो है. ओके, सो यू शुड अंडरलाइन दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि जब बैलेंस फोर्स लगता है किसी भी बॉक्स के ऊपर, अगर इफेक्टिव अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, अगर सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो रहेगा जीरो. लेकिन अगर बैलेंस फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन अगर वो एक ही डायरेक्शन से लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन से अगर नहीं लग रहा है, तो नेट इफेक्टिव फोर्स जो है वो जीरो नहीं रहेगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हेन अनइक्वल फोर्स आर अप्लाइड, अगर हमने एक पैन के ऊपर और मास इंक्रीज किया तो जो बॉक्स है वो उस साइड में मूव करना स्टार्ट करेगा. ये एग्जाम्पल होता है हमारा अनबैलेंस फोर्स का. तो जब हम अनइक्वल फोर्स अप्लाई करते हैं बॉक्स के ऊपर, तो जो अनबैलेंस फोर्स है उस बॉक्स के ऊपर लगेगा, जिसके वजह से वो जो बॉक्स है वो मूव करना स्टार्ट होगा. देर आर फ्यू अदर एग्जाम्पल, जैसे कि टग ऑफ वॉर है, जिसमें रिस्पेक्टिव डायरेक्शन में जो पुल किया जाता है, चिल्ड्रंस टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, राइट. तो इफ द फोर्स ऑफ द इज इक्वल, अगर दोनों साइड से फोर्स इक्वल है, तो जो रोप है वो मूव नहीं करेगा. लेकिन अगर एक साइड से फोर्स ज्यादा है, तो जो रोप है वो उस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा. इसका मतलब पहले जब दोनों फोर्स इक्वल थे तो वो बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल हुआ, और जब एक डायरेक्शन में फोर्स बढ़ा तो वो बिकम्स अनबैलेंस फोर्स. सो हियर फ्रॉम दिस वी कंक्लूड, वी हैव थ्री पॉइंट्स ज्यादा हम कंक्लूड कर सकते हैं. जैसे कि इफ सेवरल फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ही डायरेक्शन से, तो वो जो टोटल फोर्स रहेगा दैट अ फोर्स इक्वल टू देयर एडिशन एक्ट्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट. जैसे कि अगर 2 न्यूटन का फोर्स और 4 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है एक ही डायरेक्शन से, तो हम कहेंगे कि टोटल फोर्स जो होगा वो दोनों के एडिशन से पता चलेगा. तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल जो फोर्स लग रहा है वो हो गया 6 न्यूटन का. लेकिन अगर दो फोर्सेस लग रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं,
तो जो फोर्स बनेगा, टोटल फोर्स उसके ऊपर बनेगा, वो रहेगा उन दोनों का डिफरेंस। सो लेट्स कंसिडर कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक डायरेक्शन से 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और दूसरे डायरेक्शन से 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो जो टोटल फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा, दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ दिस टू। तो टोटल जो फोर्स इसके ऊपर लग रहा है वो है 4 न्यूटन। और अगर सेम ऑब्जेक्ट है और सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ही डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, एक फोर्स जो है वो 2 न्यूटन का लग रहा है और दूसरा फोर्स जो है वो 4 न्यूटन का लग रहा है, तो टोटल फोर्स जो होगा इन दोनों के एडिशन से होगा, दैट विल बी 6 न्यूटन। ओके, सो आई होप दैट दिस 2 पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। नाउ हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो आई होप दैट दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। सो दिस आर द 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच सम न्यूमेरिकल्स में ऑल्सो कम। नाउ फोर्स अप्लाई करने के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ चेंजेस हमने दिखाई देते हैं, जिसको हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। ओके, सो इफ मोर देन वन फोर्स आर एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट, अगर एक से ज्यादा फोर्स एक्ट हो रहे हैं, देन द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स। तो जो भी इफेक्ट, जो भी चेंजेस हम ऑब्जेक्ट के ऊपर देख रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द नेट फोर्स, जो भी नेट फोर्स उसके ऊपर लग रहा है। ठीक है, सो जब अंडरस्टैंड दिस ऑल द इफेक्ट, सभी इफेक्ट को समझने के लिए लेट्स सी द वन वेरी गुड एग्जाम्पल, दैट इज ऑफ क्रिकेट। सो इन क्रिकेट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट कि जो बॉलर है, द बॉलर इज अप्लाइंग द फोर्स ऑन द बॉल एंड थ्रोइंग इट इन टूवर्ड्स द बैट्समैन। अब बॉल जो है वो बैट्समैन की तरफ एक पर्टिकुलर मोशन के साथ आ रहा है। अब बैट्समैन ने जब फोर्स अप्लाई किया तो जो बॉल है वो उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, तो बैट्समैन हैज़ अप्लाइड द फोर्स, जिसके वजह से हमने देखा कि फोर्स अप्लाई करने से उसका डायरेक्शन चेंज हुआ है। अगेन डिपेंडिंग ऑन कि बैट्समैन ने कितने जोर से हिट किया है, उसका स्पीड भी चेंज होता है, तो बॉल की स्पीड भी बढ़ी और डायरेक्शन भी बढ़े। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। दूसरा, अभी जब बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, उसके बाद जो बॉल है वो एक सर्टन डायरेक्शन में मूव करते हुए जा रहा है। अब जो फील्डर है, फील्डर ने क्या किया, ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा है तो फील्डर ने उस मोशन वाले बॉल को रोका बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट इन मोशन। तो बॉल मोशन में था, फोर्स अप्लाई करने से वो जो बॉल है वो स्टॉप हो गया, मतलब उसका मोशन जो है वो कम हो गया। देन अनादर, डफ चेंजेस इट्स शेप बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, या फिर क्ले। क्ले का एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि आप क्ले से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। तो वॉट यू आर डूइंग, यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन द क्ले, जिसके वजह से उसका शेप जो है वो चेंज हो रहा है। सो फ्रॉम ऑल दिस एग्जाम्पल यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हमें कुछ इफेक्ट्स जो है वो दिखाई देते हैं, एंड दैट वी कॉल इट द इफेक्ट ऑफ फोर्स। आई होप दिस टॉपिक ऑफ फोर्स इज क्लियर टू यू। नाउ वी विल अंडरस्टूड अबाउट द इनर्शिया एंड प्रेशर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।